फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग क्वांटम कैट का लेवल 2 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले लेवल 1 पूरा वीडियो डाला जा चुका है, लेवल 2 का 4 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि लेवल 1 जो है वो बेसिक है और ये आज के डेट में एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबका जो लेवल है वो सब हाई हो रहा है। और खास करके एसएससी में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वांटम कैट से, ज्योमेट्री से लगभग 22 से 23 क्वेश्चन कट पेस्ट किया गया, मतलब कि इवन डाटा भी चेंज नहीं किया गया था। तो इसीलिए ये क्वांटम कैट इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हम लोग साथ साथ किरण का भी वीडियो डाल रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो किरण भी साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि उससे भी अर्थमेटिक जो है उससे पूछा जाता है और एडवांस से भी क्वेश्चन किरण से आता है। प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है एसएससी में, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वांटम कैट का लेवल 2 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसको ज्योमेट्री में नहीं होना चाहिए था, मगर इसको एक्चुअल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होना चाहिए था, मगर उससे लिंक करके इसको दिया गया है। हम इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर 8 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, आउट ऑफ व्हिच 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल and the rest 4 points do not lie on the single circumference of the circle. Also, they are non-collinear. Maximum how many circles can be drawn such that each contain at least 3 of the given point. तो सबसे पहले तो एक आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि तीन non-collinear जो होता है ना, तीन non-collinear points मिलकर एक सर्कल को बनाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सर्कल क्या हो सकता है, 8C3। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 8 पॉइंट प्लेन है, तो 8C3 हो गया, ये मैक्सिमम सर्कल हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसमें स्पेशली जो है वो 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल एंड द रेस्ट 4 पॉइंट लाई ऑन द सिंगल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो 4 पॉइंट है ना वो मिलकर सर्कल को बना रहा है। तो 4 पॉइंट अगर मिलकर सर्कल को बना रहा है, मतलब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलकर एक सर्कल को बना रहा है, तो उसको यहाँ पर माइनस करेंगे 4C3। और देखिए, जिस मतलब कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक सर्कल और बच जाएगा, इसको +1 करेंगे। हमको पता है कि कुछ लोग को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये लिंक जो है अभी कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं एसएससी में, मगर आप एक बार थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये 56 हो जाएगा, 7 8 जा, यहाँ 4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 52 और +1, 52 +1 इक्वल टू 53, इसका आंसर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन को जब ज्योमेट्री लेवल 2 का खत्म होगा तो 2-3 क्वेश्चन और है जो कि हम लड़का लोग का डिमांड हुआ है कि उसको मतलब फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले, इसको एक्सप्लेन करने के पहले थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन का नॉलेज देंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। या तो फिर आप कोई कॉम्बिनेशन का बुक धर लो और कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद ये आराम से समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सर्कल इन सच दैट इट पासेस थ्रू द वर्टेक्स सी एंड AB एक्ट्स एट द टेंजेंट एट डी। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट की तरह कर रहा है बिहेव। ठीक है, फॉर द सेम सर्कल AC एंड BC इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, AC एंड BC इक्वल टू, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड डी इज द मीट पॉइंट ऑफ AB। अगर डी मीट पॉइंट है तो AD जो होगा वो DB के बराबर होगा, इक्वल टू 3, ये 3 होगा और ये 3 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी जो है वो मीट पॉइंट है, तो अगर मीट पॉइंट है अभी तो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, डी इज द मीट पॉइंट ऑफ AB। व्हाट इज द रेशियो ऑफ EC, हम लोग को रेशियो इसका निकालना है EC डिवाइडेड बाई AE प्लस AD। ठीक है, अब देखिए, आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, यहाँ पर किसी सर्कल में, ठीक है, अगर कोई टेंजेंट है इस तरह करके है, तो आप AD EC, ये थ्योरम पढ़े होंगे, AD² इक्वल टू AE इंटू AC,
इस क्वेश्चन में इसी थ्योरम का यूज होगा। क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए सी। तो देखिए ए डी कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ए ई हमको नहीं पता है, और ए सी क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर। तो ए ई का वैल्यू क्या हो गया, 9/4। ठीक है, हम लोग को ए ई का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए ई का वैल्यू हो गया 9/4। ठीक है, अब ए ई का वैल्यू आपको पता चल गया 9/4। अगर कोई आपसे पूछे कि ई सी का वैल्यू क्या होगा, तो ई सी बराबर क्या लिख सकते हो, ए सी माइनस ए लिख सकते हो ना। तो ए सी का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, और ए ई का वैल्यू क्या लाए हैं हम लोग, 9/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4। अब देखिए हमको ई सी भी पता चल गया, ए ई भी पता चल गया। तो अब देखिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं जो हम लोग को निकालना है। ई सी बराबर हम लोग क्या निकालना है, 7/4। ठीक है, ए ई बराबर क्या निकालना है, 9/4। और ए डी का वैल्यू हम लोग को पता है कि 3 दिया हुआ है, तो +3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 9 कितना हो गया, 21/4। देखिए 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12, और 12 प्लस 9 क्या हो गया, 21, और डिवाइडेड बाय 4 हो गया, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 7/21। तो देखिए आप 7/21 है, तो 7 को 21 से काटेगा तो 1/3 हो गया। तो ई सी बाई इसका वैल्यू कितना आ गया, ई सी बाई ए प्लस ए डी का 1/3, मतलब 1:3 का वैल्यू हो गया। हम लोग को कुछ नहीं करना था, इसमें फॉर्मूला लगाना था, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए सी। यहाँ से आपको ए का वैल्यू पता चल जाता, टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग ई सी का वैल्यू निकाल लेते। हमको ई सी का वैल्यू पता हो गया, ए का वैल्यू हमको पता हो गया, और ए डी का वैल्यू हमको पता हो गया। ए डी का वैल्यू तो मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप बस वैल्यू पुट करोगे, कट करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्मॉलर सर्कल टचेस इंटरनली टू ए लार्जर सर्कल एट ए एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल। ओ इज द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल एंड बी ए एंड ओ आर द डायमीटर ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर सर्कल रिस्पेक्टिवली। कॉट ए सी इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट डी। इफ ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन ए डी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बड़ा सा सर्कल के अंदर मान लेते हैं कि ये बड़ा सा सर्कल का सेंटर है O, इसको लेकर एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया है और बोला है कि AB जो है वो डायमीटर है किसका, बड़े सर्कल का, और AO जो है वो डायमीटर है किसका, छोटे सर्कल का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से AC एक कोड खींच लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम यहाँ पर देखिए फिर से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये बड़ा सर्कल हो गया, ये छोटा सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, और बोला हुआ है कि सेंटर से लेकर, बड़ा सर्कल के सेंटर से लेकर एक ओ सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये ए सी एक कोड है। तो हम एक यहाँ पर एक चीज देखिए, सबसे पहले छोटा सर्कल को हम डिलीट किए, ये क्या है बड़ा सर्कल का डायमीटर, और ये क्या है कोड। हम बीसी को अगर मिला देते हैं, बीसी को मिला देते हैं, तो ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि जब डायमीटर से किस सर्कमफेरेंस पर कोई भी सर्कल ट्रायंगल बनाता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, सेंटर, और एसी क्या है, कोड। तो यहाँ से एक लाइन अगर खींच देते हैं, किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से किसी भी कोड पर यदि परपेंडिकुलर लाइन घिसते हैं तो कोड को कितना भाग में, दो भाग में, बराबर भागों में बांट देता है, ये रूल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, ये हो गया 90। हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एसी क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और हमको पूछ क्या रहा है, ए डी, डी यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, सेंटर था सर्कल का, बड़ा सर्कल का सेंटर क्या था, ओ। हम बड़े सर्कल के सेंटर से, ये जो है बड़ा सर्कल का सेंटर, यहाँ देख लीजिए इस फिगर में बड़ा सर्कल का जो सेंटर है, इससे एसी पर एक लाइन खींच दिए परपेंडिकुलर, हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए जो डी पर 90 डिग्री बनाता है, तो डी पर क्या बना दिया, 90 डिग्री।
ठीक है, डी पर 90 डिग्री बना दिया। और बताइए ये जो एसी है ये बड़ा सर्कल के लिए कोण है, और सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये दोनों एडी और डीसी बराबर हो गया, एडी बराबर डीसी। ये क्यों हो गया, एडी इक्वल टू डीसी, ये क्यों हो गया, क्योंकि बड़े सर्कल के सेंटर से हम लोग कोण एसी पर एक ओडी लाइन खींच रहे हैं। तो जब किसी भी, देखिए वो है, ये डी है और ये ए है और सी है, इसी क्वेश्चन का छोटा वर्जन है। तो अगर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर एडी बाई डीसी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये टोटल 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में एसी, तो एडी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना था, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन फिगर एडीईसी इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले एडीईसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ईसी एंड एडी आर एक्सटेंडेड टू मीट एट बी, सी ए डी, सी ए डी 60 डिग्री, सी बी ए 30 डिग्री, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए सी टू ए डी, ए सी टू ए डी का हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 60 डिग्री है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये 60 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री होता है। अगर ये सी ई डी 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, डी ई बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री बनाता है तो ये 120 होता है, ये 60 डिग्री। अब देखिए जब ट्रायंगल डी ई बी में एंगल ई 60 डिग्री हो गया और बी 30 डिग्री हो गया तो एंगल डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए एंगल डी 90 डिग्री हो गया तो ई डी ए, जिसे देखिए ये है, अगर ये यहाँ पर एंगल डी 90 हो गया तो इधर भी 90 होगा, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री, और अपोजिट एंगल 180 होता है तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। पहले हम लोग सारा एंगल खोज लिए, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब देखिए ट्रायंगल, देखिए अब हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, सेम ट्रायंगल बनेगा, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। हम लोग एंगल सारा निकाल लिए, अब देखिए अब आपको ये पता है कि ये कितना है, 60, ये भी पता है कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5√3, और बी डी, ये बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल को हम लोग लिए हैं यहाँ पर, इस ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं डी बी ई को। तो अब देखिए हम लोग को बी ई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी निकालने के लिए यहाँ पर cos 30 डिग्री बराबर डी बी बाई ई बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos 30 बराबर क्या होता है, 1 cos 30 होता है √3/2। डी बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6, तो यहाँ से ई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बी का वैल्यू हो जाएगा 12/√3, ऊपर नीचे √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 12√3/3, ये हो गया 4√3, 4√3 निकल गया। चलिए हम लोग को ये तो पता चल गया, अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको ई बी यहाँ से कॉस 30 बराबर डी बी बाई ई बी करके आप ई बी का वैल्यू पता कर लिए, ठीक है। तो आप ई बी का वैल्यू अगर पता कर लिए तो अब मतलब सी बी का आपको वैल्यू पता हो गया कितना, सी बी का वैल्यू हो गया 5√3 और प्लस 4√3, सी बी बराबर सी 5√3 क्वेश्चन में दिया हुआ है और ई बी हम लोग निकाल लिए तो टोटल क्या कितना हो गया, 9√3, ठीक है। अब चलिए अब इस ट्रायंगल का काम हो गया खत्म, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे,
बड़े वाले को। ठीक है, यहां पर पता चल गया आपको सीबी को वैल्यू पता चल गया। अब देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, सी ए बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है हम लोग निकाले हैं, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और इसमें ये कितना दिया हुआ है 9√3। यहाँ पर आपको सीई का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में और सीबी का हम लोग वैल्यू, सीई का वैल्यू दिया हुआ था और ईबी का वैल्यू निकाले थे, तो टोटल वैल्यू 9√3 आ गया था। ठीक है, तो अब देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग को एबी का वैल्यू निकालना होगा या एसी का वैल्यू निकालना हो, तो सबसे पहले हम एबी का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 60, यहाँ साइन 60 बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बी बाई ए बी, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज जो लिखते हैं वही है, ये परपेंडिकुलर, सी बी परपेंडिकुलर है और ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो 60 का क्या होता है √3/2 और सी बी बराबर क्या दिया हुआ है 9√3/AB। ठीक है, अब यहां से ए बी का ये √3/√3 खत्म हो गया, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया 18। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो ए बी का वैल्यू 18 आ गया, और 18 आ गया तो ये डी बी जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू हम लोग 18 निकाले हैं और डी बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, तो हम लोग ए डी का वैल्यू बोल सकते हैं कि 12 हो गया, ए बी में से बी डी को घटा दिए तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो टोटल ए बी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, जो हम लोग अभी निकाले हैं, तो डी बी उसमें से घटा देंगे तो ए डी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब यहां से हम लोग एक बार और इसको लेते हैं, अब इस बार हम लोग cos 60 लेंगे। ठीक है, cos 60 का लीजिएगा तो cos 60 का वैल्यू cos 60 इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ठीक है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, AC का वैल्यू हमको नहीं पता है और AB का वैल्यू क्या है 18, तो यहां से कट करेंगे तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, ये AC का वैल्यू आ गया 9। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर AC का वैल्यू क्या करते हैं 9 लिख देते हैं और AD का वैल्यू हम लोग को क्या आया 12, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 इसका आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले सारा एंगल निकाल लीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों साइड का जोड़ 180 डिग्री होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ई 120 हो गया, तो अगर सी ई डी 120 हो गया तो डी ई बी क्या हो गया 60, बी 30 दिया हुआ है तो एंगल बी डी ई 90 डिग्री हो गया, इससे आप सारा एंगल निकालिए। आपको सी ई का वैल्यू 5√3 दिया हुआ है और बी डी का वैल्यू 6 दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले डी बी डी बी ई ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पर हम लोग ई बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ई बी का वैल्यू अगर निकल गया तो हम लोग को ई सी सी ई का वैल्यू पता है, तो ई बी का वैल्यू टोटल अधि ई बी और सी ई का वैल्यू जोड़ देते हैं तो हम लोग को 9√3 निकल जाएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग साइड का जो पूछा है उस तक निकाल लेंगे, तो ये भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, लेंदी था और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि अब क्वांटम कैट का लेवल 2 का सबसे आखिरी स्टेज में हम लोग चल रहे हैं, इसके बाद एक या दो वीडियो और आएगा और थोड़ा कम कम क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज द रेशियो। देखिए इसमें दो सर्कल दिया हुआ है, सबसे पहले तो देख लीजिए सर्कल पी क्यू आर इज द ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द टू डिफरेंट सर्कल, पी क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट, पॉइंट ए बी आर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस दिया हुआ है ए बी का 25 सेंटीमीटर और डिस्टेंस पी क्यू का दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। देखिए तो ए बी का क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी ए कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 होगा ना, डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस पी ए कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ बस इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, सर्कल का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट इसके फिगर को सिर्फ ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पी ए आर ये हो गया, क्यू ये बी, यही सेम फिगर को देखिए, ये जो पी ए बी क्यू आर है उसी को हम यहाँ पर बस फिगर ड्रॉ किए हैं। ये बड़ा सर्कल का क्या है रेडियस है पी ए, ये कितना दिया हुआ है आपको, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है डायमीटर 24 सेंटीमीटर बड़ा बड़ा सर्कल का। देखिए यहाँ पर जो ये बड़ा सर्कल का डायमीटर है ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हम लिख दिए। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एक हम लोग यहाँ पर खुद से एक पॉइंट लेते हैं जो कि ए बी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और क्यू पर जाके मिला देते हैं, यहाँ पर एस दे देते हैं पॉइंट, क्या देते हैं एस। तो अब देखिए ए बी क्यू एस जो है ये पैरेललोग्राम बन गया, तो जो ए बी साइड है वही क्यू एस है और जो बी क्यू साइड है वही एस ए है। ठीक है, और एक चीज आप और देखिए यहाँ पर, जब यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो किसी भी टेंजेंट पर अगर सेंटर से लाइन होता है तो वो 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ भी सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, अब देखिए ये एस है, यहाँ पर क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 25, तो एस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू एस क्यू होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम पैरेलल है दोनों लाइन बराबर ही है। ठीक है 25, यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24, पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24। तो देखिए ट्रायंगल एस पी क्यू में आपको पता है पैथागोरस थ्योरम लग रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा, तो ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25, तो हमको 25 पता है 24 पता है, तो नेक्स्ट क्या होगा 7। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या क्या आया भाई, हमको आ गया पी एस का वैल्यू क्या आ गया 7, तो यहाँ पर एस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 5। देखिए यहां से यहां तक का पी ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, यहां से यहां 7 निकला तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अगर एस ए 5 है, अगर एस ए 5 है तो क्यू बी भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हम लोग जो जो निकालना था निकाल लिए, अब देखिए पूछा क्या है ए बी, तो ए बी तो आपको पता है मगर बी आर आपको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिमिलैरिटी का खेल खेलेंगे यहाँ पर सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक कंसीडर करते हैं एस पी क्यू, ये ट्रायंगल एस पी क्यू, यहां से एक लाइन जो ड्रॉ किए हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल एस पी क्यू, ठीक है सिमिलर होगा किसके ए पी आर के। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, एस पी बाई ए पी, एस पी बाई ए पी, इसका पाला दोनों लिए इसका दोनों पाला लिए, और देखिए पी को हमेशा हम बीच में 90 डिग्री पर रखे हैं, दोनों ट्रायंगल जो एस पी क्यू लिए हैं और ए पी आर लिए हैं दोनों का 90 डिग्री सेम पी पर ही है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में ये ध्यान होता है, ध्यान रखना होता है कि देखिए अब यहाँ पर देखिए एस पी अगर बेस है एस पी क्यू के लिए तो बड़े वाला ट्रायंगल के लिए ए पी क्या है बेस है, यदि एस क्यू जो है ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए आर क्या प्ले कर रहा है हाइपोटेन्यूज का, तब आपको अरेंज करने में बहुत आसानी हो जाता है एस पी बाई ए पी, पी क्यू बाई पी आर इक्वल टू एस क्यू बाई ए आर, थोड़ा सा इधर हो गया। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एस पी का वैल्यू क्या आया है 7, ए पी का वैल्यू क्या है 12। अब देखिए पी क्यू, पी क्यू से हमको अभी कोई मतलब नहीं, हम लोग को निकालना क्या है ए आर बड़ा वाला, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बी आर निकालना है तो ए आर हमको पता चल जाता है, तो ए बी पता है तो बी आर हम लोग निकाल लेंगे,
एस क्यू हम लोग को 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए आर हमको नहीं पता है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/7। ठीक है, ए आर का वैल्यू क्या आ गया, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू आ गया 300/7। और देखिए ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अब देखिए अब हम इसको डिलीट करना पड़ेगा, आप सिमिलैरिटी तो सीख ही लिए होंगे। ठीक है अब देखिए यहां पर हमको ए बी का वैल्यू पता है और बी आर का वैल्यू निकालना है, तो बी आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए आर माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो ए आर क्या निकाले हम लोग, 300/7 और ए बी दिया हुआ है क्वेश्चन में 25, इसको सॉल्व करेंगे तो 125/7 आ जाएगा। ठीक है, 125/7, अब हमको सारा वैल्यू पता चल गया। अब रेशियो क्या निकालना है, ए बी बाई बी आर का। ठीक है, ए बी का वैल्यू हम लोग को क्या पता है क्वेश्चन से, 25 सेंटीमीटर। बी आर वैल्यू हम लोग निकाले हैं 125/7, तो 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 25 × 125 तो 7/5 आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये आप लोग देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, सिमिलैरिटी का रोल था और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका 100% ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यही इतना ही में हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन नंबर देखिए, 44 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीआर, एपीआर बड़ा वाला ट्रायंगल टू बीक्यूआर, बीक्यूआर ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए जो साइड का रेशियो होता है उसका स्क्वायर जो होता है ना वो एरिया का रेशियो होता है। तो इस ट्रायंगल में देखिए एपीआर में एपी का वैल्यू क्या है, एपी का वैल्यू हम लोग मान लिए 12 है, निकाला हुआ है 12, यहाँ पर देखिए डायमीटर दिया हुआ 24, यहाँ से निकाले थे 12, ये 12 है। और BQR में बेस कितना है इसका, मतलब ये साइड कितना, BQ क्या है 5। तो हम क्या बोले कि अगर किसी भी ट्रायंगल का रेशियो, अगर दो ट्रायंगल का रेशियो पूछ रहा है एरिया का, तो उसका जो साइड का रेशियो होगा उसको स्क्वायर करने पर आपको एरिया का रेशियो निकल जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो एक 144/25। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपको हम फिर से बता रहे हैं कि जो एरिया का रेशियो यदि पूछा है तो जो साइड का रेशियो होगा, जिस जो ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है उसके किसी भी साइड का रेशियो ले लीजिए, दो साइड एक साइड का, जैसे यदि आप पी आर लेना चाहो तो पी आर वैल्यू पी आर बाई क्यू आर का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर कर देंगे, साइड के रेशियो को स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें आसानी क्या है, एपी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हम लोग बी क्यू भी हमको पता है 5 सेंटीमीटर, तो अब दोनों का साइड का रेशियो हो गया 12:5, स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस या राइट एंगल इक्विलेटरल और स्केलिन। तो देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है सबसे आसान, इसमें सबसे आसान चीज होगा क्या, आप एक्स वाई जेड का वैल्यू या तो 1 रख दो या 2 रख दो, जो आपको इच्छा रखे आप रख दो। अभी मान लो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, हम क्या पुट कर दिए 2, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 यहाँ पर क्या हो गया 2×2 4 प्लस 4 प्लस 4, इस पर भी सेटिस्फाई कर गया। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 रख दिए, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1×1 1 प्लस 1×1 1 प्लस 1×1 3 इक्वल टू 3, मतलब सब कोई भी वैल्यू आप रखिए एक्स वाई जेड का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों बराबर हम लोग पुट करते, तीनों बराबर साइड किस में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसका आंसर क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और
और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे।